नमस्कार दोस्तों, मैं सीमेंट उमेंट लोडिंग करके आ गया हूँ। अभी गुल्लू टायर दुकान के पास हूँ। दोस्तों मेरा गाड़ी का वो राजू भैया ने जितना ग्रीसिंग किया ना, तो नट लॉक को बहुत बड़ा मशीन से बोर्ड टाइट कर दिया है, उसको ढीला कर देना है, नहीं तो रास्ता में कोई पंचर वंचर होने से दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ और अभी नट लॉक को ढीला करूँगा और टाइट करूँगा दोस्तों। अधिकारीगुड़ा में गोल्डन भैया तो खोल नहीं पाया, उसका छोटा मशीन है, गोल्डन भैया के पास बड़ा मशीन है, बड़ा मशीन से खोलूंगा और टाइट करूंगा। ठीक है दोस्तों, टाइट आउट करके देख लूंगा, नहीं तो रास्ता में दिक्कत में बहुत दिक्कत में पड़ जाऊंगा। खोल नहीं पाए हम लोग, वहाँ तो खोल रहे थे, एक रड और पाइप लगा के खोल रहे थे, खोल नहीं पाए, और रास्ता होने से कैसे खोल पाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खोल खाल के निकलता हूँ, खोलेंगे और उसको टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो टाइट कराते हैं दोस्तों। यहाँ पे आया हूँ मैं, ये सब नट लॉक को खोलना है। वो छोटू राजू भैया ने बोर्ड टाइट कर दिया, उसका बड़ा मशीन से इसको खोलना है, ढीला करना है, ढीला करके टाइट करना है, इसको भी करना है। इसका तो हो गया, उसने लोड कट किया। यहाँ पे टायर दुकान के पास खड़े हूँ दोस्तों। और यहाँ का तीन नट बचा है और इसको खोलना है। यहाँ पे तो हो गया, तो ये नया ढाबा में रुका हूँ, आज यहीं पे खाऊंगा दोस्तों। यहाँ हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ। यहाँ पे क्या हो, टायर भी गर्म हो गया, इसलिए यहाँ पे तो खुला जगह है, हवा अच्छा लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे खड़ा करके दोस्तों। पर ये खाऊंगा तो टायर ठंडा हो जाए, उसके बाद निकलूंगा दोस्तों। यही लगा दो भैया, हाँ यहीं पे लगा दो, मस्त बनाए हुए, खुला जगह मस्त है, खुला जगह रहने से अच्छा है, ठंडा हवा लगता है, तो फ्री जगह है मस्त।
फिर ले लिया है गाड़ी, बीच रोड में खड़ा हो गया। तो छोटा गाड़ी तो जा सकता है, हम लोग का गाड़ी जा नहीं पाएगा। रायपुर से गरियाबंद जाने का रोड है, पांडुपी के पास, गांव का नाम पांडुपी। दोस्तों सुबेरे में गाड़ी के वहाँ खड़े करके घर चला गया था, अभी सो के उठा, खाना वाना खा के आ गया, सो के उठा, खाना वाना खाया, अब लेने आया हूँ गाड़ी को, धूप में खड़ा है दोस्तों। यही जाने की मेरे घर जाने के रोड है, अब ले जाऊँगा सेठ का घर, खड़े कर दूंगा दोस्तों। आज तो खाली नहीं होगा शायद मेरा, तो दो बज गया, खड़े करके चल गया, सुबह 8 बजे पहुंचा, सेठ तो कुछ नहीं बोला, इसलिए घर चला गया था दोस्तों। अभी जाऊंगा, ले जाता हूँ।